भाजपा का सदस्यता अभियान आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा का पहला नया सदस्य बनाया है। हमारे साथ में किसान मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी और अध्यक्ष हामिद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, आज से विधिवत रूप से भाजपा का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नए सदस्य बने हैं। राजस्थान भाजपा की बात करें तो किसान मोर्चे को और माइनॉरिटी मोर्चे को और लगभग हर मोर्चे को जिम्मेदारी सौंपी गई है और राजस्थान से 125,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। किसान मोर्चे की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी का अपना एक संविधान है, उसके तहत हर कार्यकर्ता को सदस्यता ग्रहण करनी होती है और वो सदस्यता 6 वर्ष तक मान्य होती है। 6 वर्ष कंप्लीट हो गए, सभी सदस्यों को नए रूप में सदस्यता ग्रहण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनांक 21 अगस्त को एक वृहद बैठक हुई थी, जिसके अंदर सभी पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि, सभी मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, महामंत्री, इनको आमंत्रित किया गया था और उसके अंदर आह्वान किया गया था हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के द्वारा कि हम 1 करोड़ का हमें वैसे टारगेट मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ 21 लाख के करीब 125,000 के आसपास हमें सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला। उसके तहत सभी मोर्चों ने अपने अपने स्तर पे राष्ट्रीय बैठकें हुई उनकी, उसके अंदर कार्यशाला आयोजित हुई, उसके बाद में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एवं केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला और हमने प्रदेश के संयोजक, सहसंयोजक, उसके पश्चात संभाग वाइज संयोजक, सहसंयोजक, उसके पश्चात जिले के संयोजक, सहसंयोजक, उसके बाद मंडलों तक के संयोजक, सहसंयोजक बना करके पूरी रचना तैयार की है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सदस्यता लेकर के इस देश का जो है इस संगठन को एक मजबूती प्रदान देने के हमको उत्साहित किया है और हम लोग भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। 200 सदस्य हर बूथ के ऊपर बनाने का लक्ष्य पार्टी के द्वारा तय किया गया है, उसके अंदर मोर्चों का भी सहयोग निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक जो हमें लक्ष्य मिला है उसको समय पर पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ में हामिद खान जी भी मौजूद हैं। सर, किसान मोर्चे के तैयारियों के बारे में यादव जी ने बताया, माइनॉरिटी मोर्चे की क्या कुछ तैयारियाँ और कितना लक्ष्य आपके मोर्चे को मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने शुरुआत की है और भारतीय जनता पार्टी के पहले वो मेम्बर बने हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने आज पार्टी की पहली सदस्यता की शुरुआत की। और जो राजस्थान का लक्ष्य, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो 125,000 का लक्ष्य दिया है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने जो लक्ष्य दिया है हमको, उस लक्ष्य को हम पूरा करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने और माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के अंदर भारी उत्साह है और जनता के अंदर हम जब जाएंगे तो पहले की तुलना में इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का काम करेंगे। हमारे मोर्चा की पूरी टीम, पूरे प्रदेश की हमारी कमेटी बन गई है, जिलों की बन गई है, जिलों में हमने प्रभारी लगा दिए हैं और सारी हमारी टीम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इतने हमारे साथ हामिद खान साहब और ओपी यादव जी। और साफ तौर पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी है भाजपा के सदस्यता अभियान की, उसी अभियान को अब कल से राजस्थान के अंदर जो 125,000 का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी द्वारा, उसको राजस्थान भाजपा का हर मोर्चा, भले वो किसान मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, SC ST मोर्चा हो, माइनॉरिटी मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, हर मोर्चा अपनी अपनी तैयारियों को लेकर अब इस सदस्यता अभियान के आगाज़ के रूप में एक निकल चुका है और 125,000 के इस लक्ष्य को राजस्थान में पूरा करने में जुट चुका है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।